लसुड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 स्थित कंचन विहार कॉलोनी में मंगलवार रात 6 नकाबपोश ने एक बिल्डर के बंगले में घुसकर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। डकैतों ने पहले बंगले के बाहर तैनात दो गार्डों पर कट्टा ताना और एक गार्ड से राइफल छीनकर दोनों के बंगले में रस्सी से बांध दिया। इसके बाद बिल्डर के परिवार को कब्जे में लेकर नकदी और गहने लूट कर ले गए। शहर के प्रतिष्ठित बिल्डर के यहां हुई वारदात से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और एक एक कर एसपी, एसएसपी, 5 सीएसपी और 8 थानों की टीआई घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनमें डकैत वैन से आते दिख रहे हैं। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। घटना बिल्डर कैलाश चंद गोयल के बंगले की है जो बेटे मुकेश और अंकेश के साथ बंगले हरिहर विला में रहते हैं। रात करीब 9:30 बजे 6 नकाबपोश डकैत बदमाशों ने कॉलोनी में दाखिल हुए। डकैत नीले रंग की मारुति इको में आए थे जिसमें पर्दे लगे हुए थे। वे बंगले से कुछ दूरी पर कार से उतर गए। डकैतों ने गार्ड राजकुमार मिश्रा और हरिकृष्ण मिश्रा को कब्जे में लेकर बंगले के अंदर प्रवेश किया और अंदर पहुंचकर गार्डों के हाथ पैर बांध दिए और लूटपाट कर फरार हो गए। डकैतों ने दोनों बेटों के साथ मारपीट की और उन्हें भी बांध दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पूरे क्षेत्र में सर्चिंग शुरू की। इस दौरान एक रस्सी और लूटे हुए कुछ मोबाइल फोन न्यू लोहा मंडी में बरामद हुए। खबर की जाने तक पुलिस अधिकारी परिवार के सदस्यों से घटना की जानकारी ले रहे थे। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि डकैतों ने कितने रुपए, गहने और अन्य कीमती सामान लूटा है और गोयल परिवार के कितने सदस्य डकैती के समय घर पर थे। कंचन विहार कॉलोनी गोयल ने ही काटी है। घटना के बाद डकैतों ने न्यू लोहा मंडी में एक व्यक्ति से एक्टिवा भी लूट ली। तीन डकैत एक तरफ भागे जबकि बाकी डकैत दूसरी ओर भागे। जांच के दौरान पुलिस डॉक क्षेत्र के विद्यावासिनी मंदिर तक गए लेकिन डकैतों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। हरिकृष्ण मिश्रा जो कि बंगले में गार्ड है उसने बताया कि मंगलवार रात को बंगले के बाहर गेट के पास दूसरे गार्ड के साथ कुर्सी पर बैठा था और 4-5 लोग आए। मुझे लगा कि वो नाइट वॉक के लिए निकले हैं और कॉलोनी के ही युवक हैं। उन्होंने ठंड के कारण मुंह पर कुछ बांध रखा है। वो मेरे पास आए और अचानक मुझे घेर लिया। पहले मेरा मोबाइल छीन लिया और उसके बाद मोबाइल तोड़कर सड़क पर फेंक दिया। फिर मुझे कट्टा तानते हुए बोले कि चिल्लाया तो जान से मार देंगे। एक बदमाश ने पीछे से मुंह पर टेप चिपका दी और हाथ पैर रस्सी से बांध कर एक तरफ पटक दिया। डकैतों ने मेरी राइफल भी छीन ली। डकैत करीब 15-20 मिनट तक बंगले के अंदर रहे और परिजनों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दे दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।